नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जीरोधा के डीमेट अकाउंट में एक साल से ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो आपका जो डीमेट अकाउंट है जीरोधा का, वो डोरमेंट हो जाता है या इनएक्टिव हो जाता है। इस कंडीशन में क्या करता है कि NSE सर्कल के रूल के अनुसार जीरोधा आपके सेगमेंट को इनएक्टिव कर देता है और आपको दोबारा से उसमें ट्रेडिंग करनी है तो दोबारा से आपको उन सेगमेंट को एक्टिवेट करना होता है, जिसके लिए आपको रीकेवाईसी की प्रोसेस करनी पड़ती है। तो रीकेवाईसी की प्रोसेस आपको किस तरह से करनी है और अगर आपके पास भी जीरोधा का इनएक्टिव का मेल आ गया है और किसी भी एक्सचेंज पर ट्रेडिंग नहीं की है तो आपका अकाउंट डोरमेंट कर दिया गया है और इसी मेल में आपको लिंक मिल जाएगी, अदरवाइज में शो करी है, ये सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहीं से क्लिक करके आप जीरोधा के डीमैट अकाउंट की जो रीकेवाईसी की प्रोसेस है वहां कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा तरीका यह है कि आप अपने सेगमेंट में जाके भी चेक कर सकते हैं और सेगमेंट में इस तरह के डोरमेंट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा और डोरमेंट ऑप्शन देखने को जब मिलता है ना तो उसमें आपको रीकेवाईसी करनी पड़ती है। अगर इनएक्टिव अकाउंट दिखता है तो उसमें आपको सिर्फ इनकम प्रूफ अपलोड करके आपका सेगमेंट एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, जैसे आप जीरोधा के रीकेवाईसी के लिंक को क्लिक करते हैं तो आपसे कंटिन्यू विद गाइड के साथ बोलता है लॉगिन करने के लिए। ठीक है, तो जैसे आप गाइड के साथ लॉगिन करने के लिए कंटिन्यू करते हैं तो आपके से यूजर आईडी और पासवर्ड पूछा जाता है, तो यूजर आईडी पासवर्ड देखकर लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपसे ऐप कोड पूछा जाएगा। आप इसके लिए सबसे पहले अपने जीरोधा एप्लीकेशन को लॉगिन करके रखिएगा, उसमें आपको ऐप कोड ऑटोमेटिक शो करेगा, वही ऐप कोड आपको 6 डिजिट का डालकर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद के सामने पर्सनल डिटेल्स शो होगी, आपकी पेरेंटल डिटेल्स होगी, ये करेक्ट है तो आपका नीचे आपका एड्रेस शो करेगा और इसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिया गया अपडेट डिटेल अस पर आधार। अगर अपने आधार में अपने नाम की कोई मिस्टेक करेक्शन करवाई है या फिर अपना एड्रेस चेंज करवाया है तो अपडेट डिटेल अस पर आधार पर जाकर आप वहां से रीकेवाईसी कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी डिटेल सही है तो प्रोसेस विद सेम डिटेल के साथ कंटिन्यू कर दीजिएगा। जो भी आपके इनएक्टिव सेगमेंट है उसकी लिस्ट यहां पर शो होगी और आप यहां पर नेक्स्ट कंटिन्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इनकम प्रूफ सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपसे आपका बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का लिया जाएगा या फिर ITR के एक्नॉलेजमेंट की कॉपी आपसे ली जाएगी, सैलरी स्लिप चाहिए पर उस पर स्टाम्प और सील चाहिए, फॉर्म 16 दे सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ नेटवर्थ दे सकते हैं या डीमैट होल्डिंग स्टेटमेंट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा डीमैट होल्डिंग स्टेटमेंट आपका 10,000 से ऊपर होना चाहिए और अगर 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं वो भी लेटेस्ट वाला देना है आपको, कोई पुराना स्टेटमेंट नहीं चलेगा और उसमें भी आपका जो एवरेज आपका बैलेंस है वो 10,000 से ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके आपका ये एज अ इनकम प्रूफ माना जाएगा। और यहाँ पर आपको, यहाँ पर हमने बैंक स्टेटमेंट लिया है 6 महीने का लेटेस्ट वाला, तो यहाँ पर हम 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चूज फाइल के थ्रू अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शन के बाद आपसे फटका डिटेल पूछी जाएगी। फटका डिटेल में अगर आप किसी अदर कंट्री में रहते हैं और वहाँ टैक्स पे करते हैं तो एस सिलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज नो सिलेक्ट कीजिएगा। फिर इनकम स्लैब में आपका जिस भी स्लैब में आते हैं उस स्लैब को फिल करके सोर्स ऑफ वेल्थ सिलेक्ट कीजिएगा कि आप बिजनेस से करते हैं या आपकी रेंटल इनकम है या गवर्नमेंट जॉब है, जो भी है वहाँ पे सिलेक्ट करके पॉलिटिकल एक्सपोज को हमेशा नो करना है। नेटवर्थ आपका ऑप्शनल है, अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते तो कोई इश्यू नहीं है। ऑक्यूपेशन में आप क्या करते हैं वो आप दे सकते हैं और इसके बाद नीचे आपसे मैरिटल स्टेटस पूछ जाएगा, अगर सिंगल है तो सिंगल, मैरिड है तो मैरिड। इसके बाद 2 बार आपका यहाँ टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, इन दोनों टर्म एंड कंडीशन को टिक करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन को जैसे सिलेक्ट करते हैं आपसे IPV की प्रोसेस पूछी जाती है। IPV में आपका 4 डिजिट का कोड होता है, वो 4 डिजिट का कोड एक व्हाइट पेपर पर या प्लेट पर किसी पर भी लिख कर पर मोटे अक्षरों में लिख कर कैप्चर कर लेना है। अगर IPV सही है तो सेव IPV कर दीजिएगा, सेव IPV में अगर कोई मिस्टेक है या क्लियर नहीं शो कर रहा है रीडो IPV का ऑप्शन भी दिया गया है, जिसके थ्रू आप दोबारा से अपना IPV का फोटो कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेव IPV क्लिक करना है, इसके बाद आपका जो KYC की रिक्वेस्ट है वो जीरोधा के पास चली गई है। यहाँ पर आपकी रीकेवाईसी की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है और जीरोधा आपका 72 वर्किंग घंटों में आपके सेगमेंट है वो एक्टिवेट कर देगा। इसी प्रकार जीरोधा आपके मेल आईडी पर भी भेज देता है कि आपकी जो रीकेवाईसी की रिक्वेस्ट है वो हमें रिसीव हो गई है और अगले 72 घंटों में सेगमेंट एक्टिवेट कर दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक इन्वेस्टमेंट पर्पस से डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप एक नया डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।